हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, क्या है इस वीडियो में, चलिए आपको बताता हूँ। दोस्तों, आपने इंस्टाग्राम पर इस तरह की तो वीडियो जरूर ही देखी होगी, और इस तरह की वीडियो देखने के बाद आपके मन में भी ख्याल आता होगा कि काश हम भी इस तरह की वीडियो बना पाते। पर यार क्या करें, आपको तो वीडियो एडिट करना बिल्कुल ही नहीं आता। तो दोस्तों, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप इस तरह की वीडियो कैसे एडिट कर सकते हैं, वो भी अपने फोन से। मैं आपको स्लो मोशन करना, हार्ड ब्लर लगाना और एनिमेशन कैसे लगाते हैं सही तरीके से, वो सब बताऊंगा इसी वीडियो में। तो बस आपको सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर नहीं सीखना है तो वीडियो को स्किप करके छोड़ के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना बिना स्किप किए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यार हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट और चलते हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर। तो गाइस, हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की होम स्क्रीन पर, और वीडियो को एडिट करने के लिए हमको कैपकट एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रही हमारी कैपकट एप्लीकेशन, इसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ऐप को यूज़ करने के लिए हमको एक VPN कनेक्ट करना होगा। तो आप कोई सा भी एक VPN कनेक्ट करने के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर लेंगे। कनेक्ट करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट पर जाएंगे और वो वाली वीडियो ले लेंगे जौन सी वीडियो को हमको एडिट करना है। तो उसके लिए मैं एक वीडियो यूज़ कर लेता हूँ अपनी। तो गाइस देखिए, मेरे सामने कुछ इस तरह की वीडियो आ चुकी है हमारी, जो बिल्कुल अभी फिलहाल सिंपल है। चलिए मैं आपको एक बार चला कर दिखाता हूँ ये कैसी है। देखिए गाइस, बिल्कुल कोई एडिटिंग नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल वीडियो है अभी इस तरह की वर्क करती हुई है। देखिए, अब हम इसको इस वीडियो को शेक इफेक्ट डालना है, स्लो मोशन करना है, हलो ब्लर लगाना है। तो उसके लिए करना क्या होगा, सिंपली हमको सबसे पहले वो वीडियो ऐड करना है जिसके जैसी हमको वीडियो बनानी है। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ओवरले का ऑप्शन, इस पर सिंपली एक बार टैप करेंगे और फिर दोबारा से ऐड ओवरले पर टैप करेंगे और वो वीडियो ले लेंगे जौन सी वीडियो के जैसी हमको वीडियो बनानी है। तो चलिए मैं ले लेता हूँ एक वीडियो। तो गाइस देखिए, जिसके जैसी हमको वीडियो बनानी है, हमारी वीडियो आ चुकी है यहाँ पर। तो सबसे पहले करना क्या होगा, हमको इस वीडियो को थोड़ा छोटा करके इसको साइड में रख लेंगे, यानी कि इस तरह का छोटा करके और यहाँ पर साइड में ले आएंगे। साइड में लाने के बाद एक बार हम उसको देखते हैं कि क्या कहाँ पर उसमें स्लो मोशन हो रहा है और कहाँ पर उसमें फास्ट मोशन हो रहा है। तो चलिए हम एक बार प्ले करके देखते हैं। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, एक तो इसमें स्लो मोशन जो है वो शुरू में स्लो मोशन हो रहा है और लास्ट में स्लो मोशन हो रहा है। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमको सिंपली यहाँ पर अपनी वीडियो के ऊपर टैप करेंगे, और टैप करने के बाद स्पीड वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर क्रोप का ऑप्शन है, इस पर एक बार टैप करेंगे, और कस्टम वाले ऑप्शन पर जाने के बाद यहाँ पर फिर दोबारा से एडिट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी वीडियो में जो स्लो मोशन था, तो हम सबसे पहले स्लो मोशन करेंगे। तो अपनी वीडियो की जो स्पीड है हम थोड़ा डाउन कर देंगे। डाउन करने के बाद फिर दोबारा से आगे करेंगे, अपनी वीडियो को देखेंगे कब तक ठीक हो रही है। ये देखिए अभी फिलहाल ठीक है, फिर यहाँ पर स्लो मोशन आता है इसमें, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्लो मोशन करेंगे इस तरह का। ये देखिए, ये देखा इस, फिर दोबारा से यहाँ पे स्लो मोशन है। तो हमको यहाँ करना क्या होगा, यहाँ पर एक यहाँ पर दिख रहा होगा एड एक्ट, इस पर एक बार टैप करेंगे और यहाँ पर दोबारा से वो आ चुकी है। तो हमको सिंपली इसको भी नीचे कर देना है बिल्कुल, और फिर जो लास्ट वाला है इसको भी नीचे लेकर आ जाएंगे। ये देखिए गाइस, हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह का है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कहाँ पर स्लो हो रहा है और कहाँ पर फास्ट मोशन हो रहा है। बिल्कुल देखिए सेम मिल रहा है लगभग। मस्त लग रही है वीडियो। तो उसके बाद करना क्या होगा, हमको यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैक इट स्मूदर, इस पर एक बार टैप करेंगे, और टैप करने के बाद हमारे सामने कुछ दो ऑप्शन आ जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेटर क्वालिटी, इस पर एक बार टैप करेंगे और राइट क्लिक कर देंगे। ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा, थोड़ा एक दो मिनट का, तो उसका वेट करना होगा हमको। चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो गाइस देखिए, हमारी जो लोडिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद करना क्या होगा, यहाँ पर लाइट का क्लिक दिख रहा है, यहाँ पर एक बार टैप करेंगे, और टैप करने के बाद फिर दोबारा से अब हमको करना क्या होगा, अपनी वीडियो में कट लगाना है जिस जहाँ पर इसको एनिमेशन लग रहे हैं, यानी कि। तो उसके बाद करना क्या होगा, चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं और देखते हैं कहाँ पर इसमें कट लग रहे हैं, यानी कि एनिमेशन कहाँ पर लग रहे हैं। तो चलिए प्ले करते हैं एक बार। देखिएगा इसे, एक यहाँ पर कट लगेगा इसमें, देखिए एनिमेशन यहाँ पर लगाएगा। तो हमको अपनी वीडियो में यहाँ पर कट लगाएंगे, यहाँ पर टैप करेंगे वीडियो के ऊपर, और यहाँ पर एक बार जाने के बाद ये देखिए यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन है, स्प्लिट कर देंगे। सिंपली स्प्लिट करने के बाद
थोड़ा फिर दोबारा से प्ले करेंगे, देखेंगे कहाँ पर चल रही है। देखिए ये देखिए गाइस, फिर दोबारा से यहाँ पर कट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पर एनिमेशन लग रहा है ये वाला। देखिए यहाँ पर टैप करके कट लगा देंगे, कट लगाने के बाद फिर आगे करेंगे, फिर एक यहाँ पर लग रहा है ये देखिए। तो हम सिंपल यहाँ पर भी कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद फिर प्ले करेंगे कि दूसरा एनिमेशन कहाँ पर लग रहा है। फिर देखिए यहाँ पर लग रहा है, फिर यहाँ पर एक बार कट लगाएंगे, फिर एक बार यहाँ पर लग रहा है कट। देखिए यहाँ पर एनिमेशन लगाएंगे, फिर देखिए हमारी वीडियो जो है ख़त्म हो चुकी है। उसके बाद करना क्या होगा, हमको अपनी वीडियो में जो शुरू में जो हालो ब्लर लगा हुआ है इसको ऐड करना है। तो हालो ब्लर कैसे ऐड करते हैं चलिए देखते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा होगा इफेक्ट का, इफेक्ट वाले ऑप्शन पर टैप करना है सिंपली, और टैप करने के बाद वीडियो इफेक्ट में जाना है। वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ट्रेनिंग वाले ऑप्शन में मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हालो ब्लर। सिंपली इस पर एक बार टैप करेंगे, और टैप करने के बाद दोबारा टैप करेंगे, एक बार टैप करने के बाद इसकी इंटेंसिटी को फुल कर देंगे, यानी कि 100 कर देंगे, और जो स्पीड है इसकी लगभग ऐसे कर लेते हैं 17 या 18 के बीच। तो सिंपल इस पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद जहाँ तक हमको रखना है, यानी कि हमको यहाँ तक रखना है अपनी वीडियो में जहाँ तक उसको कट लग रहा है, आगे तक थोड़ा ये देखिए यहाँ तक हमको अपनी वीडियो में यहाँ तक रखना है। तो सिंपल यहाँ तक रखेंगे, ये देखिए। चलिए मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ एक बार, ये देखिए। ये देखिए गाइस, हालो ब्लर जो है बिल्कुल एकदम करेक्ट लगा है, बिल्कुल मस्त तरीके से लग चुका है, और हमारी वीडियो भी बहुत अच्छी दिख रही है देखने में। तो इसके बाद एक और इफेक्ट है इसमें जो ब्लैक ब्लैक ब्लिंक कर रहा है, देखिए इस तरीके से, देखिए ये देखिए। तो ये वाला इफेक्ट कैसे लगेगा, सिंपली इसके लिए भी हमको एक बैक आना है, बैक आने के बाद वीडियो इफेक्ट पर जाना है फिर दोबारा से, और फिर दोबारा से स्क्रॉल करेंगे नीचे, और यहाँ पर आपको दिखेगा ब्लैक फ्लैश का एक इफेक्ट। तो इस पर सिंपल एक बार टैप करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, और ये देखते हैं कि हमको कहाँ से लगाना है और कहाँ तक लगाना है। ये देखिए तो कहाँ तक ये ब्लिंक कर रहा है, देखिए यहाँ से लगना स्टार्ट हुआ। तो हम सिंपल इसको यहाँ तक खींचेंगे, ये देखिए चले जाते हैं, ये देखिए बस यहाँ तक लग चुका है। ये देखिए आगे करेंगे हम, बिल्कुल मिला देंगे इसके लिए। मिलाने के बाद अब देखते हैं हमारी वीडियो कैसी है, देखिए एक बार। ये देखिए गाइस, हेलो ब्लर और ये वाला इफेक्ट जो है ब्लिंक करने वाला, ये बिल्कुल एकदम मस्त तरीके से लग चुका है। उसके बाद करना क्या होगा, उसके बाद यहाँ पर एक एनिमेशन लग रहा है, तो एनिमेशन लगाने के लिए करना क्या होगा, यहाँ पर जो बीच वाली जो क्लिप है सिंपल इस पर एक बार टैप करेंगे, और यहाँ पर एनिमेशन का ऑप्शन है इस पर एक बार टैप करेंगे, और टैप करने के बाद साइड में जाएंगे, और साइड में जाने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा जूम वन का। ये देखिए जूम वन लगा सकते हैं, जूम टू लगा सकते हैं, कोई सा भी आपको जोन सा अच्छा लगे वो लगा सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ से जूम टू वाला ऑप्शन लगाऊंगा, ये देखिए, अपनी वीडियो के अकॉर्डिंग लगा लेंगे जितना हमको करना है नीचे। ये देखिए तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, और देखिए हमारी वीडियो देखिए एनिमेशन लग चुका है, ये देखिए लग चुका है हमारा एनिमेशन, ये देखिए। इसके बाद हमको यहाँ पर एनिमेशन लगाना है, उसके लिए करना क्या होगा, हमको इस वाली वीडियो पर टैप करना है और एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाना है दोबारा। दोबारा जाने के बाद ये जो वाला एनिमेशन लगा है यहाँ पर कॉम्बो वाला है, इस पर एक बार टैप करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये वाला है, ये वाला ऑप्शन है, ये देखिए इसकी स्पीड कर देंगे हम लगभग ऐसी, अपने हिसाब से रख लेंगे, तो रखनी है ये देखिए। ये देखिए ऐसे ये वाला एनिमेशन लग चुका है, फिर यही वाला एनिमेशन हमको आगे वाली क्लिप में भी लगाना है, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला एनिमेशन लग रहा है। तो सिंपली इस पर भी टैप करेंगे और एनिमेशन वाले ऑप्शन में जाएंगे, और वही वाला एनिमेशन लगा लेंगे जो उनसे हमने इस वाले उसमें लगाया, तो ये वाला है, इसकी जो स्पीड है ये फुल कर देंगे। तो राइट क्लिक करेंगे यहाँ से, राइट क्लिक करने के बाद इस पर भी लग जाएगा। उसके बाद देखते हैं दूसरा एनिमेशन कौन सा लग रहा है, ये देखिए ये वाला लग रहा है जूम आउट, ये वाला एनिमेशन हमको कहाँ से मिलेगा, यहाँ पर भी एक बार टैप करेंगे और एनिमेशन वाले जाएंगे, और जाने के बाद यहाँ से स्क्रॉल करेंगे साइड में जाएंगे, और यहाँ पर आपको दिखेगा जूम इन का ऑप्शन, इस पर एक बार टैप करेंगे, देखिए सिंपली हमारी वीडियो में वो लग जाएगा। ये देखिए लगने के बाद इसकी जो स्पीड है हम थोड़ी कम कर देंगे लगभग इतनी, ये देखिए। फिर दोबारा से हमारा एक यहाँ पर लग रहा है, ये देखिए ये वाला जूम आउट वाला ऑप्शन है, इस पर भी एक बार टैप करेंगे, एनिमेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे,
और यहाँ पर आपको दिखेगा, ये देखिए साइड में जाने के बाद यहाँ पर ये वाला ऑप्शन है, ये वाला इसमें लगा हुआ है, ये वाला, ये देखिए। तो राइट क्लिक करेंगे सिंपल यहाँ से, और राइट क्लिक करने के बाद अपनी वीडियो को वहाँ तक ले लेंगे जहाँ तक हमको रखना है, यानी कि जहाँ तक हमारा साउंड है। तो मैं सिंपल यहाँ तक रखूँगा और यहाँ से एक कट लगाऊँगा और जो फालतू का पार्ट है इसको कर दूँगा डिलीट। डिलीट करने के बाद जो बाद का जो वाटर मार्क है इसको भी डिलीट कर देंगे। उसके बाद करना क्या होगा, जो सी हमारी ओवरले वाली वीडियो थी यानी कि ये वाली, तो इसको सिंपल यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर एक बार टैप करेंगे ओवरले वाले पे और इसको इसका हम साउंड बनाएंगे। साउंड बनाने के लिए साइड में जाएंगे और साइड में जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो, सिंपल इस पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद हमारा साउंड जो है साउंड में बदल जाएगी और ये वीडियो हटानी है हमको। तो उसके लिए करना क्या होगा, हमको सिंपली ओवरले वाले पर टैप करेंगे और इस वाली वीडियो को हम डिलीट कर देंगे। देखिए डिलीट करने के बाद हमारी वीडियो कंप्लीट बन चुकी है। देखिए ये देखिए गाइस, हमारी वीडियो बिल्कुल मस्त तरीके से बन चुकी है। उसके बाद करना क्या होगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, सिंपल इस पर टैप करेंगे और टैप करने के बाद अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो दोस्तों, हमारे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो यार कमेंट करके जरूर बताना, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, जय हिंद, गुड बाय।